वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दिस ब्लैक मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक, जो कि इंस्पायर्ड बाय निधि कटियाल है, और जो सीरीज़ चल रही है वो भी इंस्पायर्ड बाय निधि कटियाल है। सो अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगी, प्लस उनका इंस्टा आईडी भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि वो लुक्स पहले इंस्टा पर अपलोड करती हैं देन उसके बाद यूट्यूब पर। सो इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है, ब्लैक ज्वेलरी, ब्लैक लिपस्टिक, ब्लैक ब्रश एंड प्लस ब्लैक आई मेकअप। सो अगर आपको इस तरीके के लुक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की, इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अपना DIY लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लेवेंडर मिस्ट, यह है गुड वाइब्स का, बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग मिस्ट है। ऑक्सीलाइफ का ये सिरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि अगेन बहुत अच्छा सिरम है, बहुत अच्छा फेस सिरम है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस जॉय की हेलो सन सन ब्लॉकेज एंटी क्रीम, जो कि एक सनस्क्रीन है, और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस किड्स ब्यूटी का प्राइमर, टैप टैप करके अप्लाई कर लिया है, देन ब्लेंड करने के बाद 10 सेकेंड्स तक के लिए छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का कलर कैरेक्टर, मेरा शेड है 303। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने लिया था ब्लू हेवन का ब्यूटी ब्लेंडर है, इसी से प्रोडक्ट पिक कर रही हूँ और अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मैक का फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है 02, एक टोन लाइटर है, बट इस तरीके के मेकअप के लिए इस तरीके का हाइलाइटिंग कंसीलर और फाउंडेशन आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें SPF भी है और 2 pumps मैंने लिए थे इसके, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी रही। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हाफ एंड हाफ का कंसीलर, आई एम इन दी शेड 04 आइवरी, अगेन ये एक हाइलाइटिंग येलो टोन कंसीलर है, अगेन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस कंसीलर को एक बार ट्राई करो। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की दिस कंटोर स्टिक, अपने फेस को थोड़ा सा कंटोर करने के लिए, तो क्रीम कंटोर से आपका फेस ज़्यादा शार्प दिखता है। यूजली जहाँ भी मैं कंटोरिंग करती हूँ वहाँ अप्लाई कर लिया है, सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसे सेट करने के लिए मैंने लिया है सिस ब्यूटी का ये कॉम्पैक्ट, आई एम इन दी शेड 03, अगेन ऑल ओवर फेस को सेट कर लूँगी, अपनी क्रीज को भी, और इसी में थोड़ा सा स्पिन्स का ये लूज पाउडर डाल रही हूँ ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। बेकिंग कर रही हूँ मैं, तो ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पॉपी फिल की ये आईब्रो पेंसिल, लाइटली बट थोड़ा सा हैवी अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लूँगी, क्योंकि हमारा आई मेकअप, हमारा फेस मेकअप बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है। सो अप्लाई कर लिया है और स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की दिस काजल पेंसिल, एप्पल ऑफ द काजल, कोल काजल। सो अच्छे से मैं अपनी पूरी क्रीज के नीचे इसे अप्लाई कर लूँगी, और आपको एक बार थिक अप्लाई करना है। स्मोकी आईज़ अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो ना, तो ये काजल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जेड ब्लैक है। एक स्मर्जर ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मर्ज कर रही हूँ। स्मर्जर के लिए मैंने मैक का 24 ब्रशेज़ का जो सेट आता है उसी का स्मर्जर ब्रश लिया है। आप अपनी ईयरबड भी ले सकते हो स्मर्ज करने के लिए, तो इसको अच्छे से स्मर्ज कर लेंगे तो आप देख सकते हो इतना अच्छा पिगमेंटेशन है कि इसका डल नहीं हुआ। सेम जो भी प्रोडक्ट रहता है टिप पर, उसको मैंने अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लिया है। सेम काजल को मैं काजल के लिए भी यूज़ कर रही हूँ अपर एंड वाटर लाइन में। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस SFR का आई शेडो पैलेट, इट्स अ 12 या 14 कलर्स वाला आई शेडो पैलेट है, ये थोड़ा सा स्मोकी वाला है, इससे ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपनी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ ताकि हार्श एजेस ना लगे। सेम पैलेट से ब्लैक कलर ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो भी डार्क ब्लैक काजल लगाया था वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। कलर एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईलैशेस को अच्छे से वॉल्यूम देने के लिए, आप यहाँ आईलैशेस भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो भी एक्सेस पाउडर था मैं उसको रिमूव कर लूँगी, आप देख सकते हो कितने अच्छे से फेस ब्राइटन अप हो गया, बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट एंजल रोज़ का ये ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, लाइट ब्लशिंग कर रही हूँ, पूरे फेस पे भी करूँगी और हल्का सा नोज़ पे करूँगी ताकि नोज़ भी पिंक ही दिखे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, मोल्टन गोल्ड मेरा शेड है, फैन ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर फेस पे अच्छे से हाइलाइटिंग कर लूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए लिया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग्स पे, सेम हाइलाइटर को इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए और अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ग्लैम 21 की ये ब्लैक कलर की काजल पेंसिल ले रही हूँ और इससे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। थिक लिपस्टिक आपको अप्लाई करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इससे अप्लाई ईजिली हो जाएगी। मेरे पास ब्लैक लिपस्टिक नहीं थी और आई डोंट थिंक सो कि हर किसी के पास ब्लैक कलर की लिपस्टिक होगी। सो इस तरीके से मैंने लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है। ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए मैंने सेम कंसीलर यूज़ किया और सेंटर पार्ट में अप्लाई किया, बट मुझे इफेक्ट अच्छा नहीं लगा था।
इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ब्लैक मोनोक्रोमेटिक मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। मैंने सोचा था मैं ऑम्ब्रे इफेक्ट में लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, बट वो लिपस्टिक पूरी डल हो गई थी, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैंने सिंपल ही रखा है और अगेन उसी काजल को मैंने अप्लाई कर लिया था। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा तो उस पर भी क्लिक कर दे, तो जब भी मैं कोई इस तरीके का वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उस वीडियो से नोटिफाइड हो पाएंगे। अगर फॉलो करना चाह रहे हैं इंस्टा पे, आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टिल नेक्स्ट, बाय।